हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स। होप सो आपको सबको समझ आ गया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड। और आज हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, इसे हम हैप्टिसिटी भी बोलते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करो। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, इसकी डेफिनेशन देखो। सबसे पहले, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द मेटल एटम। इन्होंने बोला कि जितने भी कार्बन एटम है हाइड्रोकार्बन ग्रुप के, ठीक है, वो डायरेक्टली अटैच होंगे किसके साथ, मेटल एटम के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे, हैप्टिसिटी ऑफ द लाइगेंड। एक बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच टू द मेटल एटम। जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच होंगे मेटल के साथ डायरेक्टली, उसे हम क्या बोलेंगे, हैप्टिसिटी, या फिर क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। नीचे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, इसमें क्या बताया है, सी डबल बोन सी, ये क्या है हमारा, इथीन। ठीक है, इसमें क्या है, दो कार्बन है, दोनों कार्बन है जो डायरेक्टली किसके साथ अटैच है, मेटल के साथ। ये क्या था हमारा, ईटा। तो इसके ऊपर क्या आ गया, टू, मतलब टू कार्बन एटम जो है हमारे मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इसकी हैप्टिसिटी क्या आएगी, टू। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक और तरीका इसे लिखने का, सी एच टू सिंगल बोन सी एच टू, इन दोनों कार्बनों को मेटल के साथ इन्होंने अटैच कर दिया। यहाँ पे क्या था, डबल बोन को डायरेक्टली अटैच करा दिया था, उसका मतलब भी सेम था। यहाँ पे अलग अलग इसको अटैच कराया मेटल के साथ, इसका मतलब भी सेम है। यहाँ पे हैप्टिसिटी कितनी आ गई, टू, क्योंकि टू कार्बन एटम जो हैं वो क्या है, मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच हैं, इसलिए इसकी हैप्टिसिटी आई है टू। इसके हम और भी कई एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या है, तीन कार्बन एटम डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच है, सी एच टू सी एच सी एच टू, किसके साथ अटैच है, मेटल के साथ। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक बॉन्ड बनाया, मतलब ये तीनों जो कार्बन है वो डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच है, इसलिए इसकी हैप्टिसिटी कितनी आ गई, थ्री। इसे हम क्या बोलेंगे, थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर। ऐसी हमारी क्या है, थर्ड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, फोर कार्बन एटम, ये कॉर्नर है, वन टू थ्री फोर, ये इनमें क्या है, कार्बन एटम है। इन्होंने क्या कराया, जो चारों कार्बन है, इसका मतलब क्या है कि जो चारों कार्बन एटम है हमारे वो डायरेक्टली किसके साथ अटैच है, मेटल के साथ, इसलिए इसकी हैप्टिसिटी कितनी आ गई, फोर। यहाँ पे देखिए, सेम स्ट्रक्चर है, पर यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे बॉन्ड बनाया, मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये क्या है, डायरेक्टली अटैच है मेटल के साथ, मतलब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये दोनों कार्बन है वही अटैच है मेटल के साथ। यहाँ पे क्या थे, फोर कार्बन एटम अटैच थे, यहाँ पे ओनली टू कार्बन एटम अटैच है मेटल के साथ, इसलिए हम यहाँ पे हैप्टिसिटी कितनी लिखेंगे, टू, ईटा टू, टू इलेक्ट्रॉन डोनर। ये क्या था, फोर इलेक्ट्रॉन डोनर, ये क्या है, टू इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब जितने की हमारे कार्बन एटम अटैच होंगे डायरेक्टली मेटल के साथ, उतनी ही हमारी क्या होगी, हैप्टिसिटी। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या बनाया इन्होंने, साइक्लो पेंटाडाइन, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन एटम है ना, पर अटैच कितने हैं डायरेक्टली, वन टू थ्री, सिर्फ तीन के बीच में बॉन्ड बनाया हुआ है ना, तो इसकी हैप्टिसिटी कितनी आ गई, थ्री। अगर फाइव, मतलब यहाँ पे पूरा राउंड होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पूरा राउंड है, ये क्या है, डायरेक्टली मेटल के साथ, यहाँ पे हैप्टिसिटी कितनी आ रही है, फाइव, और यहाँ पे कितनी आ रही है, थ्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये क्या हो गया, फाइव इलेक्ट्रॉन डोनर। ये टॉपिक था हमारा हैप्टिसिटी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मली बहुत ही इजी भी है। हैप्टिसिटी से हमें ये भी पता चल जाता है कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, जितनी उसकी हैप्टिसिटी होगी उतना ही वो एटम, उतना ही वो स्ट्रक्चर क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होएगा। जैसे इसकी हैप्टिसिटी कितनी थी, फाइव, तो ये क्या हो गया, फाइव इलेक्ट्रॉन डोनर। एग्जाम्पल में हमारी कितनी थी हैप्टिसिटी, थ्री, तो ये क्या हो गया, थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब जितनी जिसकी हैप्टिसिटी होगी वो क्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन डोनर होएगा। इसमें आप बस ये ध्यान रखिए कि इस टॉपिक को हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स भी बोल देते हैं और हैप्टिसिटी भी बोल देते हैं। एग्जाम में आपको कुछ भी बोल के ये पूछ सकता है कि इसकी इतनी हैप्टिसिटी है, और इसको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच टू द मेटल एटम, मतलब इसकी क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन ग्रुप के हिसाब से की है, जितने भी कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच होंगे मेटल के साथ वो क्या आएगी, उसकी
हैप्टिसिटी। एक चीज और बहुत ही ध्यान रखने वाली है, वो क्या है, एक तो होता है हमारा मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, है ना, वो अलग चीज है। ये हैप्टिसिटी यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली चलेगा, मतलब ये नहीं है कि एक कार्बन यहाँ पे है तो दूसरा और कहीं बॉन्ड बना रहा है, मतलब डायरेक्टली जो मेटल के साथ अटैच है, ये कार्बन ये कार्बन ये डायरेक्टली अटैच है मेटल के साथ। ये नहीं है कि यहाँ पे एक और कार्बन अटैच है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, जो मतलब कंटिन्यूस चलेगा। इसलिए यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कंटिन्यूस चल रहा है, सी एच सी एच सी एच, मतलब इन तीनों में बॉन्ड है। अगर इन दोनों में बॉन्ड होता तो इसकी हैप्टिसिटी कितनी आती, 2। अब ये तीनों में है तो हैप्टिसिटी कितनी आई है, 3। जैसे यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड यहाँ पे है, दो कार्बन ही क्या है कॉन्टिन्यूज है जिनके बीच में बॉन्ड है और मेटल डायरेक्टली अटैच है। यहाँ पे 4 थे और चारों के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसकी हैप्टिसिटी कितनी है, 4। मतलब जो भी हमारे कार्बन एटम चलेंगे वो कॉन्टिन्यूज चलेंगे, उनमें डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी। छोटा सा टॉपिक था, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नाउ कल हम स्टार्ट करेंगे EEN रूल। EAN का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, ये हम कल पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही ईजी टॉपिक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।